हाय दोस्तों, मैं मनोज सर, घटनासार डेली करेंट। तो देखिए दोस्तों, आज क्या है चर्चित व्यक्ति। तो देखिए, चर्चित व्यक्ति में जो इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, उसी को मैं बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर लिखा है अंशुमान झिंगरन। ये नवी मुंबई के खुले समुद्र के तैराक अंशु झिंगन खतरनाक नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र की युवा समुद्री तैराक बन गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अंशुमान झिंगरन। तो ये देखिए, खतरनाक नॉर्थ पर चल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र की युवा समुद्री तैराक बन गए हैं। इतनी कम उम्र में अंशुमान का कठिन प्रयास सफलतापूर्वक पूरा करना उनकी उल्लेखनीय क्षमताओं का। 17 जुलाई 2023 को अंशुमान ने 18 वर्ष और 125 दिन की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की। इस उपलब्धि के लिए उन्होंने प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान किया है। अगला देखिए, अमित कुमार नेगी। अमित कुमार नेगी देखिए, हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही अमित कुमार नेगी ने जुलाई 2023 में ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर दामाबंद पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय पर्वतारोही हैं। अगला देखिए, अजय बंगा। विश्व बैंक की अध्यक्ष, भारतीय मूल की अमेरिकी अजय बंगा को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से तैयार की गई 2023 की ग्रेट इमिग्रेटर्स की सूची में शामिल किया गया है। कॉर्नेगी कॉरपोरेशन प्रतिवर्ष अमेरिकी आज़ादी दिवस के मौके पर यह सूची जारी किया गया है। इस वर्ष की सूची में शमिल बंगा भारतीय मूल के एक मात्र व्यक्ति थे। अगला देखिए, जॉन बेस्टर गुड एनफ, प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक एवं लिथियम आयरन बैटरी की सह आविष्कार तथा 2019 में रसायन विज्ञान की नोबेल पुरस्कार विजेता गुड एनफ 101 अवस्था में 25 जून 2023 को निधन किया गया। अगला देखिए, बिग कमांडर दीपिका मिश्रा। अप्रैल 2023 में दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय अधिकारी बनी। उन्होंने मध्य प्रदेश की बाढ़ से राहत अभियान के दौरान असाधारण साहसिक कार्य के लिए वायुसेना से सम्मानित किया गया। दीपिका राजस्थान की रहने वाली है। एन चंद्रशेखर, टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखर को मई 2023 में फ्रांस की सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डी लॉ लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भारत फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए। मुकेश अंबानी देखिए, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 के यूएई में प्रस्तावित कोप 21 जलवायु की सलाहकार समिति में रिलायंस इंडस्ट्रीज की मालिक मलिक मुकेश अंबानी, प्रख्यात पर्यावरणविद सेंटर फॉर साइंस एनवायरमेंट महानिदेशक सुनीता नारायण को शामिल किया गया है। सुल्विया बुलिस्कोनी, इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सुल्विना बुलिस्कोनी ने 12 जून 2023 को मिलन के अस्पताल में निधन हो गया। अगला देखिए, प्रकाश सिंह बादल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक प्रकाश सिंह बादल 95 वर्ष की अवस्था में 25 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। सतीश कौशिक, बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता निर्माता निर्देशक सतीश कौशिक का 9 मार्च 2023 को 66 वर्ष की अवस्था में हृदयघात से निधन हो गया। और एनएसडी के छात्र रहे सतीश ने मिस्टर इंडिया और गाड थ्रू सी ग्रेट होक, हमें किसी से कम नहीं, मासूम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में सहायक चरित्र की भूमिका निभाई। अगला देखिए, के विश्वनाथ, दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता निर्देशक के विश्वनाथ का निधन विश्वनाथ का 92 वर्ष की अवस्था में 2 फरवरी 2023 को निधन हो गया। अगला देखिए, कोहिमा, चर्चित स्थल कोहिमा। देखिए, नागालैंड के कोहिमा जून 2023 को रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल देवता पात्रता द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक का उप कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस उप कार्यालय के खुलने से पूर्वोत्तर भारत में केंद्रीय बैंक की मंजूरी बढ़ेगी। अगला देखिए, अहमदाबाद, अब अहिल्या नगर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम छत्रपति सा अरे संभाजी नगर तथा उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के पश्चात इस राज्य के अहमदनगर का नाम बदलकर 18वीं शताब्दी की मालवा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्यानगर करने की घोषणा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 31 मई 2023 को अहमदाबाद में अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम की है। अगला देखिए, नमोपत देवकी संप्रीट। 25 अप्रैल 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में नपोपत देवकी सी फ्रंट को राष्ट्रपति किया और 5.45 किलोमीटर देवका सी प्रांत लंबाई जिसकी लागत 165 करोड़ है। चंपारण बिहार, 20 जून 2023 को विश्व के सबसे विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया और बिहार के पूर्व चंपारण जिले की कैथवालिया बहुआरा गांव में शुरू हुआ। महावीर स्थान न्यासा समिति के अध्यक्ष आचार्य किशोर
किशोर कृष्ण के या अयोध्या में निर्माण रामलला मंदिर के आकार से भी बड़ा हो सकता है। अगला देखिए, कच्छ गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले में जूना खटिया गांव के बाहरी इलाके में 16 हेक्टेयर के क्षेत्र विस्तारित में सबसे बड़े नेक्रोपोलिस में से एक, जहां हड़प्पा सभ्यता के पूर्व शहरी चरण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां सीप की चूड़ी, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के ब्लेड तथा मानव कंकाल के अवशेष भी मिले हैं। अगला देखिए, माड़ा गाँव। तो देखिए, भारत चीन की सीमा पर उत्तराखंड के चमोली जनपद में समुद्र तल से लगभग 3,219 मीटर की ऊंचाई पर स्थित माड़ा गांव को 24 अप्रैल 2023 को सीमा सड़क द्वारा भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया है। 24 अप्रैल से पूर्व इस गांव के प्रवेश द्वार पर भारत का अंतिम गांव साइन बोर्ड लगा था, जिसे अब हटा दिया गया है। सुंदरगढ़। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने हाल ही में उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले में केंदुआडी ब्लॉक में कोयले की खान के सर्वेक्षण के दौरान चेंगपर पहाड़ पर भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। दावा की भूमि बंदरगाह। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 4 मई 2023 को मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में देवकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। भूमि बंदरगाह भारत और बांग्लादेश के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार और परिवहन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अगला देखिए, यादगिरी गुट्टा मंदिर। उत्कृष्ट धार्मिक मंदिर के लिए तेलंगाना की नालगोंडा जिले में यादागिरी पहाड़ी पर स्थित यादगिरी गुट्टा मंदिर की अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से प्रदान किया गया है। इंदौर के बल्लेश्वर मंदिर में 30 मार्च 2023 को हुए बावड़ी हादसे में 36 श्रद्धालुओं की जान चली गई है। मरने वालों महिलाओं, पुरुषों और बच्चों में शामिल था। यह सब बल्लेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में बनी बावड़ी के ऊपर छत के ढहने के कारण हुआ था। पेरू देखिए, पेरू में हाल ही में H5N1 वायरस के कारण 585 समुद्री शेरों और 5500 जंगली पक्षियों की मौत हो गई थी। यह एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस उपकार में H5N1 और H9N2 के संक्रमण के कारण ऐसा हुआ है। अगला देखिए, जबलपुर। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा के तट पर लम्हेरा गांव देश का पहला जीव पार्क स्थापित करने को मंजूरी मिली है। अगला देखिए, नवीनतम नियुक्ति। मनोज यादव। हरियाणा के पूर्व DGP मनोज यादव को जुलाई 2023 में रेलवे सुरक्षा बल का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल इस दौर पर 31 जुलाई 2025 तक रहेगा। अगला देखिए, क्यू डेंग्यू। चीन के पूर्व कृषि और ग्रामीण मामले के मंत्री डैग्यू जुलाई 2023 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन UNFO का महानिदेशक चुना गया। राकेश पाल देखिए, 19 जुलाई 2023 को राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक का 25वां महानिदेशक नियुक्त किया गया। इन्हें ICG का पहला गवर्नर होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। न्यायमूर्ति MP शाह। जुलाई 2023 में मद्रास और पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश MP शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, जनार्दन प्रसाद। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण में अतिरिक्त महानिदेशक श्री जनार्दन को इस निकाय का महानिदेशक DG जून 2023 में नियुक्ति किया गया है। एडमिरल लिसा फ्रेंचिटी। जुलाई 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अमेरिकी नौसेना के प्रमुख के रूप में फ्रेंचिटी को नामित किया गया है। अमेरिकी सीनेट की मंजूरी के बाद वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अधिकारी होगी। साथ में अमेरिका में किसी भी सैन्य सेवा की प्रमुख बनने वाली पहली महिला होगी। मिशेल बुलाक। 14 जुलाई 2023 को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने मिशेल बुलाक को रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। वह 18 सितंबर 2023 को इस पद पर ग्रहण करेगी। अंशु माली रस्तोगी। देखिए, वरिष्ठ अधिकारी अंशु माली को हाल ही में कनाडा के मॉन्ट्रियल में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की परिषद में भारत का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। इन्हें शेफाली जुनेजा की जगह 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। प्रति अघाल। जुलाई 2023 में IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस IIT जंजीवार कैंपस तंजानिया की पहली निदेशक प्रीति अघल लायक को नियुक्त किया गया है। वह किसी IIT की पहली महिला निदेशक है। 6 जुलाई 2023 को जंजीवार में IIT मद्रास कैंपस की स्थापना का समझौता हुआ था। अरविंद पनघड़िया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया को 29 अप्रैल 2023 को नालंदा विश्वविद्यालय बिहार का नया चांसलर नियुक्त किया गया है। निर्जा ओखरी को जुलाई 2023 में सीमेंट
मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। भारत सीमेंट निर्माताओं का शीर्ष निकाय है। रवि सिन्हा भारतीय पुलिस सेवा की 1988 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर कैडर के श्री रवि सिन्हा खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख 1 जुलाई 2023 से बनाए गए। इस पद पर इनकी नियुक्ति 2 वर्ष के लिए की गई थी। स्वामीनाथन जानकी रमन भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधन निदेशक रहे। स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक में डिप्टी गवर्नर जनरल 2023 में नियुक्ति किया गया। इस पद पर श्री महेश कुमार जैन जो 22 जून 2023 को सेवानिवृत्त हुए थे, स्थान जानकी रमन ने ले लिया है। डॉक्टर मनोज सोनी 16 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछ दिया जाए कि यूपीएससी के मतलब कि अध्यक्ष कौन बने हैं, डॉक्टर मनोज सोनी। उन्हें 28 जून 2017 को आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति किया है। की राजा रमन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एवं दूर संचार सचिव के राजा रमन को 8 जुलाई 2023 को केंद्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आईएफसी मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। अनंत महेश्वरी 25 अप्रैल 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 को अनंत महेश्वरी को नैसकॉम का अध्यक्ष चुना गया है। रवीन कौर मई 2023 में केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। श्री कौर ने इस स्थान पर अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लिया है। लिंडा याकरिनो मई 2023 में लिंडा यारकिनो को ट्विटर के कार्यकारी अध्यक्ष एलन मास्क ने ट्विटर का सीईओ नियुक्त किया गया है। एके जैन मई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष एके जैन को नियुक्त किया गया है। इस पद पर जैन का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष तक है। एके मोहंती भाभा परमाणु अनुसंधान के निदेशक अजीत कुमार मोहंती देश की परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष 1 मई 2023 को बनाए गए। इस पद के इनके व्यास थे। डेनिस फ्रांसीसी त्रिनिदाद टोबैगो के राजनयिक डेनिस फ्रांसीसी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष सर्वसम्मति से 1 जून 2023 को निर्वाचित हुए हैं। महासभा का सत्र 12 सितंबर 2023 को प्रारंभ हुआ है। महासभा के अध्यक्ष पद पर 77वें सत्र के अध्यक्ष हंगरी के कसाब कारोसी का स्थान फ्रांसीसी ने लिया है। सेलेस्तो साउलो अर्जेंटीना की सेलेस्तो साउलो को विश्व मौसम विज्ञान की महिला महासचिव जून 2023 में नियुक्ति किया गया। इस पद पर इसका चुनाव 4 वर्ष के कार्यकाल के लिए हुआ है। अमरिंदन प्रकाश 31 मई 2023 को अमरिंदन प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में ग्रहण किया है। नितिन अग्रवाल केरल कैडर के 1919 बैच के आईपीएस अधिकारी नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पीएम प्रसाद सीएसएल के चेयरमैन प्रबंधक निदेशक पीएम को 1 जुलाई 2000 कोल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन सह प्रबंधक नियुक्त किया गया। इस पद पर उन्होंने प्रमोद अग्रवाल का लिया है। पीटर एल्बर्स एंडिको के सीईओ पीटर एल्बर्स को जून 2023 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर की अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस पद का नाम कार्यकाल 2024 रह गया। रूबी सिन्हा को 3 वर्ष की कार्यकाल के लिए हाल ही में बीआरआईसीएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड स्टेट वर्सियल कॉर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति शिव कुमार सिंह वेरी इंपॉर्टेंट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश शिव कुमार सिंह को जुलाई 2023 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनजीटी का अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति शिव कुमार सिन्हा। डॉक्टर अब्दुल्ला मंडोस यूएई के मौसम विज्ञान अब्दुल्ला अल मंडोस 2023 से 2047 तक 4 वर्ष के कार्यकाल में विश्व विज्ञान मौसम का नया अध्यक्ष चुना गया। मंडोस ने जर्मन मौसम विज्ञानी प्रोफेसर गेरहार्ड डेमिन का लिया है। और सुधा शिव कुमार ने फिक्की को लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 39वें सत्र के दौरान जयंती डालमिया की जगह फिक्की महिला संगठन का 40वां अध्यक्ष चुना है। आईएफएल फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की महिला बनी है। शालिजा धामी भारतीय वायुसेना ने 8 मार्च 2023 को ग्रुप कैप्टन शालिजी धामी को पश्चिमी क्षेत्र की लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर नियुक्त किया गया है। अगला देखिए, ऑपरेशन अभियान नोमैडिक एलिफेंट 2023 भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट की 15वीं संस्करण का आयोजन 17 से 31 जुलाई 2023 के बीच मंगोलिया के उलन बटोर में किया गया है। अगला देखिए, अभ्यास साल्वेक्स भारत और अमेरिका नौसैनिक के बीच केरल के कोच्चि में 26 जून से 6 जुलाई 2023
23 के बीच साल्वेक स्कूट का नाम सैन्य अभ्यास में आयोजित किया गया। इस अभ्यास के दौरान अंतर संचालियता और कार्यकारी सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एकता अभ्यास, भारत और मालदीव की नौसेना के बीच 4 जून से 3 जुलाई 2023 के बीच मालदीव में एकता नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के गोताखोर और मारीन कमांडो ने हिस्सा लिया है। जीमैक्स 2023, भारत और जापान की नौसेना के बीच 5 जुलाई से 11 जुलाई 2023 के बीच विशाखापट्टनम में समुद्री अभ्यास जीमैक्स 23 आयोजित किया गया है। ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 2023, 10 से 12 जुलाई 2023 तक सेशेल्स में संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित ऑपरेशन सर्दन रेडिनेस 2023 में भारत की ओर से INS सूर्यतन्या ने हिस्सा लिया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य बहुदेशी संबंधों को सुदृढ़ बनाने और क्षेत्र में CIF अभ्यास की माध्यम से सहयोग बढ़ाना है। अगला देखिए, समुद्र शक्ति 23, भारत और इंडोनेशिया ने दक्षिण चीन सागर में 17 से 19 मई 2023 के बीच अपनी द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास समुद्री शक्ति 23 संपन्न किया गया। इस अभ्यास के समुद्री चरण में अभिन्न चेतक हेलीकॉप्टर डोनियर समुद्री गश्ती विमान के साथ MW कॉर्बेट INS कावरमती ने हिस्सा लिया। अगला देखिए, अभ्यास खान कन्वेस्ट 2023, 19 जून से 2 जुलाई 2023 तक 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों की भागीदारी वाला बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 मंगोलिया में आयोजित किया गया। अगला देखिए, अजी वैरियर 2023, भारत और UK के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अजीर वैरियर की 7वीं संस्करण का आयोजन 27 अप्रैल से 11 मई 2023 के बीच सैलिसबरी मैदान यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। अगला देखिए, ऑपरेशन कावेरी, गृह युद्ध में ग्रस्त सूडान में फंसी भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में ऑपरेशन कावेरी का संचालन किया गया है। कोप इंडिया 2023, भारत और अमेरिकी वायुसेनाओं की द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कोप इंडिया पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा में 10 से 24 अप्रैल 2023 के बीच आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में जापान वायु आत्मरक्षा बल ने पर्यवेक्षक के रूप में हिस्सा लिया है। बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन फ्रांस की एयर एंड स्पेस फोर्स की माउंट मार्शन स्थित वायुसेना बेस स्टेशन में 17 अप्रैल से 5 मई 2023 के बीच आयोजित किया गया है। अगला देखिए दोस्तों, अभ्यास खंजर, भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास खंजर का 10वां संस्करण 2023 में टोकोमो किर्गिस्तान में संपन्न हुआ। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच में तालमेल और अंतर क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए किया गया। कोप इंडिया 2023, भारत और अमेरिकी वायुसेना के बीच वायु अभ्यास कोप इंडिया का आयोजन 10 अप्रैल से 24 अप्रैल 2023 के बीच पश्चिम बंगाल में कलाईकुंडा एबस पर किया गया है। धर्म गार्जियन 2023, भारत और जापान की सेना के बीच 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच जापान के सिंगा प्रांत के कैप इमाजू में धर्म गार्जियन के नाम से एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। अगला देखिए, अभ्यास दुस्तली, भारत और उज्बेकिस्तान की थल सेनाओं के बीच 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन किया गया है। यह अभ्यास पर्वतीय और अर्धशहरी परिदृश्य में संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित था। और अगला देखिए, ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी 2023 को आए भयानक भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त के तहत 7 फरवरी को NDRF के सदस्यों के अलावा सेना, वायुसेना और अन्य विभागों के जवान वहां भेजे गए। भारतीय दलों ने आपदा ग्रस्त इन देशों में 1 सप्ताह से अधिक समय तक बचाव कार्य किया। अभ्यास कोंकण 23, भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं के बीच अरब सागर के कोंकण तट पर संयुक्त समुद्री अभ्यास 20 से 22 मार्च 2023 के बीच आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में निर्देशित मिसाइल युद्धपोत INS त्रिशूल और टाइप 23 निर्देशित मिसाइल युद्धपोत लॉकेस्टर ने हिस्सा लिया है। और इस पर अभ्यास में समुद्री अभ्यास के सभी क्षेत्र वायु सतह उप सतह शामिल है। सी ड्रैगन 2023, भारत और अमेरिका, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया का साझा पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 23 का आयोजन 15 मार्च से 30 मार्च 2023 के बीच अमेरिकी सैन्य अड्डे गुयाम में आयोजित किया गया है। अगला देखिए, योजना परियोजना, मेरा गांव मेरी धरोहर पहल, भारत सरकार की गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 27 जुलाई 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर पहल का उद्घाटन किया है। यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका लक्ष्य देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 6.5 लाख गुना का सांस्कृतिक मानचित्र करना है। अगला देखिए,
उड़ान 5.1 क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना। उड़े देश का आम नागरिक के 4 सफल चरणों के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा और हेलीकॉप्टर के माध्यम से अंतिम मूल कनेक्टिविटी हासिल करने के लिए मई 2023 में उड़ान 5.1 लॉन्च किया। अगला देखिए, पीएम प्रणाम। 28 जून 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम प्रणाम धर्म की पुनर्स्थापना, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम योजना को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों को प्रयोग में काम करने के उद्देश्य से राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना को मंजूरी दी है। साथ ही 3.68 लाख करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ मौजूदा यूरिया सब्सिडी योजना को मार्च 2025 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। पीएम प्रणाम का फुल फॉर्म देख लिए, प्रोग्राम फॉर रिसर्च प्रोशन ऑर्गेनाइजेशन और न्यूरिशमेंट एंड द एम्लिगेशन ऑफ द मदर अर्थ। अगला देखिए, मिशन MEHRI। 7 जून 2023 को बिजली मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी की शीघ्रता से पहचान करने और उन्हें भारत के भीतर और बाहर तैनाती हेतु स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन ऑन एडवांस हाई स्पीड शुरू किया गया है। वर्ष 2023 में 2028 से 5 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए चलने वाली MHRI विचार से उत्पाद तक एक प्रौद्योगिकी जीवन चक्र दृष्टिकोण का पालन करेगी। अगला देखिए, नमो शेतकारी महासम्मान योजना। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत राज्य की 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रतिवर्ष 60,000 रुपये दिए जाएंगे। अगला देखिए, अमृत धरोहर मिष्टी योजना क्या है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर मिष्टी नामक 2 योजनाओं का शुभारंभ किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत की आर्द्र भूमि और मैग्रोव वन को पुनर्जीवित और संरक्षित करना है, जो हरित भविष्य और हरित अर्थव्यवस्था के लिए योगदान देना है। अमृत धरोहर योजना क्या है। यह योजना भारत में मौजूदा रामसर स्थलों के संरक्षण पर केंद्रित है। भविष्य में यह स्थल इको टूरिज्म के केंद्र बनेंगे। योजना का उद्देश्य सतत पारिस्थितिक तंत्र विकास को प्राप्त करना है, जिसे अगले 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, आयोग समिति। मणिपुर में शांति समिति का गठन। 10 जून 2023 को मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उड़ाके की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने शांति समिति का गठन किया है। समिति के सदस्यों में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरन सिंह, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल हैं। समिति के अधिकार क्षेत्र में राज्य की विभिन्न जाति समूहों के बीच शांति प्रक्रिया को सुगम बनाना है। मणिपुर हिंसा में जांच हेतु न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। मणिपुर में 3 मई 2023 को पश्चात हुई हिंसक घटनाओं की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच आयोग के गठन केंद्र सरकार ने 4 जून 2023 को किया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अजय लंबा की अध्यक्षता में गठित आयोग के 2 अन्य सदस्यों में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर शामिल हैं। अगला देखिए दोस्तों, प्रधान अब इधर तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। G20 पर्यटक की बैठक 19 जून से 22 जून 2023 तक G20 पर्यटक समूह की चौथी और अंतिम बैठक सदस्य देश के पर्यटक मंत्रियों की गोवा में हुई है दोस्तों। G20 विज्ञान सम्मेलन G20 विज्ञान 2023 की अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान G20 भोपाल में आयोजित किए गए। सम्मेलन का विषय था विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। अगला देखिए, ITBP बर्लिन 2023 और तो इधर इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, पुस्तकें करा दे रहा हूँ दोस्तों, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है APS के लिए। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एन ऑटोबायोग्राफी पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन ने लिखा है। और अगला देखिए कौन लिखा है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन कौन लिखा है, नीरजा चौधरी ने लिखा है। स्मोक एंड SS अमित घोष ने लिखा है। द पॉवर्टी ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी मेघनाथ देसाई ने लिखा है। इंडियन राइजिंग मेमोयर ऑफ द संस्टिक आर चिदम्बरम सुरेश गंगोत्र लिखे हैं। कृष्ण दस सेंथसिस डीसी चटर्जी ने लिखा है। द गोल्डन ईयर्स द मैनी जायस ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग रस्किन बॉन्ड ने लिखा है दोस्तों। ऑल टाइम फेवरेट द चिल्ड्रेन रस्किन ने लिखा है। हाथी में गर्भ कालिक कौचिलिक ने लिखा है। लोक मांझी संगीति शरद पवार ने लिखा है। और विक्ट्री सिटी कौन लिखा है, सलमान रशदी ने लिखा है। वाजपेयी द एसेंट द हिंदू 1924 में अभिषेक चौधरी ने लिखा है। मैडम प्रोजेक्ट द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू संदीप साहू ने लिखा है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल इंट्रो टू द रचना कस्तूरी ने लिखा है।
अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता लिखे हैं, रीसाइंड डॉक्टर विजय दृढ़ा ने लिखा है, नेहरू तिब्बत और चीन, अवतार सिंह भसीन और नीलचंद राय अखिल के जो लिखे हैं। अगला देखिए, माई लाइफ एंड कॉमरेड शोभा भारती अदिति पाठक ने लिखा है। रिफ्लेक्शंस कौन लिखा है? प्रसिद्ध बैकर नारायण वागुल ने लिखा है। और हार्ट फ्लेक्स कौन, सर्जन पायरनिंग कौन लिखा है? डॉक्टर पी वेणुगोपाल ने लिखा है। डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम मेमोरियम नेवर डाई कौन लिखा है? डॉक्टर एपीजम नसीमा मैरकर डाई वाई राजन ने लिखा है। अगला देखिए, ए फूल्स जर्नी किसने लिखा है? सरिका भारद्वाज। और इंडिया वैक्सीन ग्रोस्टवी फॉर्म कंपाउज टू दी सज्जन सिंह यादव मोदी और शेपिंग ग्लोबल ऑर्डर द क्लास विदेश मंत्री एस जयशंकर द पॉवर्टी ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमी अपडेट द पुअर मेघा देसाई ने लिखा है। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम आर कौशिक आर श्रीधर ने लिखा है। इरफान खान ए लाइफ इन मूवी शुभ्रा गुप्ता ने लिखा है। और मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू इन इम्पोर्टिटी डॉक्टर कर्ण सिंह ने लिखा है। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमी द न्यू डॉन डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने लिखा है। आ प्रिस्मिड लैंड बराक ओबामा के पूर्व राष्ट्रपति पियरी पियरी किसने लिखा है? तमिल लेखक पेरुमल मरुगन ने लिखा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी के प्रगति यात्रा डॉक्टर मुनीराम सकलानी ने लिखा है। द ओपन ट्रॉफी पंजाब के राज्य सूचना आयुक्त कौन लिखे हैं? खुशवंत सिंह ने लिखा है। जादूनामा जावेद अख्तर ए सफ़र अरविंद मंडलोई ने लिखा है। बिपिन द बिहाइंड द रचना रावत रिविस्ट ने लिखा है। और इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधी एरा जेतुमणि एन जी बालन ने लिखा है। ए मैटर हॉट द एजुकेशन इन इंडिया अजीम प्रेम जी सी यू के अनुराग बेहर ने लिखा है। गर्ग में साफ ब्रेकिंग T20 राजू मल्होत्रा श्रीमती विजया विश्वनाथन ने लिखा है। मिरकेल ऑफ फेस योगा मानसी गुलाटी ने लिखा है। आज़ाद गुलाबी नबी आज़ाद विक्ट्री सिटी किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है। स्पेयर किसने लिखा है? प्रेस हैरी ने लिखा है। गौतम अडानी और राय मैजिंग बिजनेस इन द इंडिया आर एन भास्कर लिखे हैं। वार एंड वुमेन डॉक्टर ए रहमान हसन ने लिखा है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।